हाँ ये राय रामानंद कौन है? कहते राय रामानंद कृष्ण लीला में ये विशाखा सखी है, और ये बहुत इनका गुण है, एक विशाखा सखी है और इनका अंदर में ललिता की कुछ अंश है, ललिता की कुछ अंश है इनका अंदर में। खैर ये अर्जुना सखी है, ये अर्जुना सखी है। खैर शुरू कर रहे हो, इसलिए कहती है अर्जुना सखी है और इनके अंदर में अर्जुन भी है, इसलिए चार पांच व्यक्ति महाप्रभु राय रामानंद के अंदर में ये सारे को सारे इनके अंदर में विद्यमान है सबके सब, क्योंकि महाप्रभु जैसे पूर्ण है उनका जितने भक्त लोग है ना वो सबके सब वो भी सबके सब पूर्ण है। इसलिए यहीं पर राय रामानंद यहीं पर जन्म हुए, वो पांच भाई थे और उनका पिताजी का नाम था क्या नाम? भवानंद। उनके पिताजी का नाम था भवानंद और महाप्रभु बोलते थे ये भवानंद कौन है? बोले ये पांडु है और उनका जो पांच बेटे हैं ये पंच पांडव है, ये पंच पांडव का ये जन्म स्थान है। इसलिए ये पांडव लोगों का जो वनवास हो गया, पांडव लोग तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, कहते हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति है, कहते रुचि निष्ठा, कि जब नामाभास अगर निकल गया मुंह से, नामाभास से प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज फूल ये जितने हैं ये केवल नामाभास, शुद्ध नाम नहीं, कहते नामाभास से ये सब खत्म हो जाता है और ये तो भगवान का नित्य परिकर है। फिर इनको ये बन बन में भटकना क्यों पड़ा? 12 साल तक बन बन में भटके, 13 साल तक अज्ञातवास में रहे, इनको इतना फिर कष्ट क्यों उठाना पड़ा? इनको इतना कृष्ण के भक्त होकर के कष्ट नहीं, कृष्ण चाहते थे जब तो कोई भक्त कहीं जन्म नहीं लो, जब तो किसी भक्त का कहीं चरण धूल नहीं पड़े ना, वो स्थान कभी पवित्र नहीं मानी जाती। इसलिए उन्होंने केवल पांडव लोग भगवान की भक्त ही, ये केवल एक बहाना है उनकी वनवास होना, तत्वतः ये जहाँ पर गए इनका चरण, जहाँ पर पड़ा इनका चरण वो स्थान एकदम पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर महाप्रभु जब आए, कहते महाप्रभु तो स्वयं जमुना गंगा किनारे में जन्म लिया पवित्र स्थान में, लेकिन भक्त लोगों को कहाँ पर जन्म दे दिया? भक्तों को जन्म दिया जहाँ पर पांडव लोगों का जन्म, जहाँ पर पांडव लोग गए नहीं है, क्योंकि चैतन्य भागवत में कहते हैं एक शुद्ध भक्त जहाँ पर जन्म ग्रहण करता है उसका प्रभाव से कोटि योजन तक कल्याण हो जाता है, कोटि योजन तक वो स्थान का पवित्रता हो जाता है जब कोई एक शुद्ध भक्त जन्म ग्रहण करे, इतने प्रभाव एक भक्तों का। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब एक भक्त इसे हाथ उठा करके निताई गौर प्रणाम, जब एक भक्त हाथ उठा करके नृत्य करता है स्वर्ग में देवताओं कल्याण, जब नृत्य करते हैं उनका चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है, जब उनका जो दृष्टि वो साधारण दृष्टि नहीं कृष्ण प्रेम को द्वारा दृष्टि है, जब वो दृष्टि इस तरफ में जब वो देखते हैं उनका दृष्टि से ही जितना दूर तक उनका दृष्टि जाए उतना दूर तक उनका सब कल्याण हो जाए, सब पवित्र हो जाता है। एक शुद्ध भक्त का इतने लाभ है और यहाँ पर कितने जन्म हुए? पांच पांच भक्त यहाँ पर जन्म हुए, समझो ये स्थान कितने पवित्र स्थान है, है? और पास में यहाँ पर सिक्किम आई थी जन्म हुई, महादेव देव जन्म हुई, ये यही पर जन्म हुआ, तब समझो ये स्थान कितने पवित्र स्थान ये स्थान है। इसलिए श्री राय रामानंद ये आप लोग श्रवण कर रहे थे, ये विशाखा सखी है ना, अभी ये विशाखा सखी होने का नाते बड़े रसिक है, इसलिए हर्ष में रस कथा कहते थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति मानने वाले, हाँ जब कृष्ण कृष्ण कथा कहते थे ये, लेकिन जो मायावादी होते हैं ब्रह्म भगवान को ब्रह्म निराकार मानते हैं, कहती है जो ब्रह्म है ना वो ब्रह्म को माया पकड़ लिया ना, इसलिए कृष्ण और राम रूप में आ गए, इसलिए जितने लीला कर रहे हैं ना सब माई नष्ट, क्योंकि माया पकड़ लिया, जब इनकी जब मुक्ति हो जाएगी ना माई खत्म हो जाएगी, ये भी जाकर उसी ब्रह्म में कृष्ण लीन हो जाएगी, इसलिए वो जो लीला किए है राम कृष्ण ये सब माई की, उनको कोई महत्व नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं। इसलिए राय रामानंद तो रसिक भक्त है,
राय रावण रसिक भक्त हर समय रस 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 कथा बोलते थे, लेकिन सारव भट्टाचार्य बोले क्या बोलता है कृष्ण कृष्ण ऐसे गोपी सब बेकार से। लेकिन जब महाप्रभु का आशीर्वाद से सार्वभौम भट्टाचार्य जो भक्त हो गया, पता चला चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये स्वयं भगवान है, ये साधारण कोई ये जीव नहीं। जब उनको ये बात पता चला, फिर जब वो भक्त हो गए ना सार्वभौम भट्टाचार्य जो, कहते मैं पहले तो कौआ था, का 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 करता था, अभी कोयल बन गया, गरुड़ बन गया महाप्रभु कृपा से। फिर भक्ति की महिमा उनको पता चला, भक्ति क्या रस है। तब उन्होंने महाप्रभु को बोले, प्रभु आप जैसे रसिक है ना, आपके संगी केवल एक व्यक्ति है, वो दुनिया में वो राय रामानंद अभी गवर्नर है, हाँ साउथ में अभी गवर्नर है, आप जरूर उनसे मिलना, आप दक्षिणी यात्रा कर रहे हैं ना, जरूर महाप्रभु इसलिए जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इसके लिए, उनके लिए जा रहे हैं, हैं क्यों जा रहे हैं। तो गुरु जी कहते थे अभी महाप्रभु को राधा रानी के भाव का आस्वादन करना, राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना, लेकिन गुरु होनी चाहिए, बगैर गुरु के ये लीला आस्वादन कर ही नहीं सकते हैं, गुरु के बगैर ज्ञान कर ही नहीं सकता। गुरु ऐसे चाहिए ना, जैसे हाई फाई चीज, जैसे गुरु भी तो हाई फाई चीज होनी चाहिए, इसलिए हाई फाई गुरु कौन है, श्री राय रामानंद, ये कौन कहते अनुराधा है, उनको अनुराधा बताया है, राधा जी के सारे गुण उनके अंदर विद्यावान विशाखा अंदर में, इसलिए महाप्रभु फिर गए राय रामानंद संवाद, तो बहुत बड़ा संवाद राय रामानंद संवाद है, इसलिए जहाँ पर महाप्रभु जहाँ प्रश्न करते हैं और राय रामानंद उत्तर देते हैं। गीता क्या है, कृष्ण या अर्जुन प्रश्न करता और कृष्ण उत्तर देते हैं, राय रामानंद क्या है, यहाँ कृष्ण स्वयं प्रश्न कर रहे हैं और भक्त राय रामानंद उसका उत्तर दे रहे हैं। हाँ, पूरा साधन से लेकर के सिद्धि अवस्था तक, रस तत्व, राधा तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, राय रामानंद संवाद महाराज ने वो ग्रंथ निकाले, बोले जब तक ये राय रामानंद संवाद कोई नहीं पढ़ता है ना, तब तक भक्ति का जो फर्क है, हाँ भक्ति में क्या फर्क है, कर्म मिश्रा भक्ति किया, ज्ञान मिश्रा भक्ति किया, आरोप सिद्धा भक्ति किया, संघ सिद्धा भक्ति किया, स्वरूप सिद्धा भक्ति किया, शुद्ध भक्ति किया, रस किया है, और शांत से दास्य, दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य, वात्सल्य से मधुर, मधुर रस में भी जो फर्क है, ये सब चीजों को समझ नहीं आएगा, इसलिए राय रामानंद संवाद पढ़ना बहुत जरूरत है, इसलिए सबके सब जरूर राय रामानंद संवाद को जरूर पढ़ना, इनकी कथा पढ़े बगैर तुम्हारे अंदर भक्ति रस के संबंध में पता नहीं चलता, इसको हम मंदिर में जाकर के सब चीज को हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए उनकी बहुत कथा है, इसलिए अभी हम और एक जगह पर जाएंगे, नित्यानंद प्रभु जहाँ महाप्रभु के दंड को जहाँ पर तीन खंड कहते हैं, अभी वहाँ पर जाएंगे, अगर यहाँ कथा है सब तो सब समझ खत्म हो जाएगा, शाम को फिर हम ये सब कथा सुनेंगे, ठीक है, और शाम को हम लोग जाएंगे परमानंदपुरी को, परमानंदपुरी और जाएंगे नरेंद्र सरोवर, चंदन सरोवर है, वहाँ पर देख लेंगे, वहाँ भगवान नरसिंह देव का मंदिर है, इसलिए देख लेंगे, होगा तो दर्शन करेंगे, और एक भक्तों घर में जगन्नाथ का महाप्रसाद पाएंगे, हाँ कीर्तन करेंगे कथा और महाप्रसाद पा करके फिर वापस आएंगे, ठीक है, नीता गौर प्रेमानंद। हाँ, अब लोगों ने देखा राय रामानंद गवर्नर थे ना, उनका तलवार जिससे शासन करते थे, और उनका कमंडल, और जिससे पेन ताल पत्ते के ऊपर लिखते थे ना, ताल पत्ते के ऊपर जगन्नाथ बल्लभ नाटक वो ग्रंथ है रखा हुआ, और उनका पेन रखा हुआ है वहाँ पर सब, यहाँ पर अभी भी उनका स्मृति रूप में ये सारी चीज यहाँ पर भी रखा हुआ, ठीक है, गौर प्रेमानंद श्री राय रामानंद प्रभु की।